हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको रवे का हलवा की रेसिपी बताने वाली हूँ। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ मैं ये बताऊँगी, आपका हर बार परफेक्ट हलवा बनके रेडी होगा। तो आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर लेना। यहाँ पर सबसे पहले एक पैन में मैंने आधी कटोरी रवा लिया है, ये जाड़ा वाला रवा है, बारीक रवा नहीं लेना है। हलवे के लिए हमें थोड़ा जाड़ा वाला रवा लेना है, जो हम उपमा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बस वही। अब इसे पैन में मैंने लेकर स्लो फ्लेम पे इसे सेक लिया है, कंटिन्यू इसे हिलाते हुए, जब तक कि वो हल्का गोल्डन ना हो जाए। आपको इसे कंटिन्यू स्टर करना है, बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है, वरना ये रवा जल जाएगा। अभी हमारा रवा अच्छे से सीख गया है, इसे मैंने एक प्लेट में निकाल के रख दिया साइड में। अब उसी पैन में मैंने 1/4 कटोरी जितना बादाम लिया है, बादाम को भी मैंने स्लो फ्लेम पे अच्छे से सेक लिया है ताकि इसके अंदर का मॉइस्चर निकल जाए। अगर आप चाहो तो इसमें घी डालकर भी आप इसे फ्राई कर सकते हो, पर ये बिना घी के भी अच्छे से सीख जाता है। अभी हमारे बादाम भी अच्छे से सीख गए, तो इसे भी मैंने कटोरी में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया। अब एक सॉस पैन में मैंने एक कटोरी दूध लिया है, और सेम उसी कटोरी से एक कटोरी मैंने पानी लिया है। आधी कटोरी रवे के लिए हमें एक कटोरी दूध और एक कटोरी पानी लेना है, और इसे बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया है। अब एक छोटी सी कटोरी में मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया है गरम, और उसके अंदर थोड़ी सी मैंने केसर डाल के इसे मिक्स करके रख दिया है ताकि अच्छे से केसर उसमें घुल जाए। और जो बादाम हमने सेक के रखी थी उसे मैंने पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये हम बाद में गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे और हलवे में भी डालने के लिए यूज़ करेंगे। ये हमारे अच्छे से बादाम स्लाइस होके रेडी हो गए हैं। हमारे अब सभी इंग्रेडिएंट्स रेडी है, अब हम हलवा बना लेते हैं। अब उसी पैन में मैंने 1/4 कटोरी घी लिया है। आधी कटोरी रवे के लिए हमें 1/4 कटोरी घी लगेगा। जैसे ही घी पिघल के गर्म हुआ, मैंने इसके अंदर जो सेका हुआ रवा था उसे डाल दिया, और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए सेक लिया है, जब तक कि ये रवा अच्छे से डार्क गोल्डन कलर का ना हो जाए। रवा हमने पहले से सेक के रखा है, इसलिए अभी इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सीखने को, बस 4 से 5 मिनट में रवा सीख के रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारा रवा अच्छे से सीख के रेडी है, इसका कलर कितना सुंदर आ गया है। अब इसके अंदर हमने जो दूध गर्म करने रखा था वो पूरा दूध मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और जो केसर वाला दूध था उसे भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, और इसे अभी कंटिन्यू मीडियम फ्लेम पर मैंने मिक्स करते हुए इसे कुक किया है, जब तक कि रवा पूरा दूध एब्जॉर्ब न कर ले। हमें कंटिन्यू स्टर करना है यहाँ पे, वरना वो रवा अच्छे से उसमें दूध एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये देखिए अच्छे से मैंने कंटिन्यू स्टर करते हुए इसे कुक कर लिया है। अब इसके अंदर हम आधी कटोरी चीनी डाल देंगे, और थोड़ी सी इलायची पाउडर, और जो हमने स्लाइस करके बादाम रखे थे उसे, और इसे मिक्स कर लेंगे। चीनी जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है रवे के अंदर, चीनी को, बादाम और इलायची पाउडर को। अब इसे ढककर हम कुक करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे, ताकि रवा अच्छे से कुक हो जाए। बीच बीच में आप इसे ढक्कन हटा के एक दो बार हिला दीजिएगा, वरना वो नीचे से चिपक जाएगा। 10 मिनट के बाद ये देखिए साइड से घी छूटना शुरू हो गया है, मतलब हमारा रवा अच्छे से कुक हो गया है, हमारा हलवा बन के रेडी हो गया है। एक बार हम इसे फिर से स्टर कर लेंगे, ये परफेक्ट हमारा रवे का हलवा बनके रेडी है। अब इसे मैंने एक बाउल के अंदर निकाल लिया है ना, एकदम सिंपल और इजी रेसिपी। और ये मेजरमेंट्स के साथ आपका हलवा एकदम परफेक्ट हर बार बनके रेडी होगा। अभी मैंने बाउल में इसे हलवे को निकाल कर ऊपर से भी बादाम के स्लाइस से गार्निश कर लिया है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ये हलवा एक बार बना के ज़रूर देखना, त्यौहार हो या कोई भी गेस्ट हो, आप इसे ज़रूर बनाना, सबको बहुत पसंद आएगा। बाय की रसी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, ताकि आपको आने वाले रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।